आज हम लोग 12th क्लास के और 11th क्लास के परमाणु एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह जाना चाहेगा कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। तो इसकी परिभाषा है, यूरेनियम 235 के परमाणु के नाभिक पर एक न्यूट्रॉन का प्रहार करा करके यूरेनियम 236 बनाया जाता है, जो स्वतः बहुत तेजी से टूट करके बैरियम और क्रिप्टन का निर्माण करता है और इसे 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति होती है। अब वह पुनः अगले यूरेनियम के परमाणु के नाभिक को तोड़ करके बेरियम और क्रिप्टन बनाएगा, 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति होगी। फिर अगला टूट करके बेरियम और क्रिप्टन बनाएगा, 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति होगी। अर्थात एक बार विखंडन करा देने पर यूरेनियम 235 का जो नाभिक है स्वतः टूटता रहता है और इसी अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया या चैन रिएक्शन कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में परमाणु ईंधन यूरेनियम 235 को तोड़ने के लिए किया जाता है ताकि ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। दूसरी ओर इसका उपयोग परमाणु बम के विखंडन में भी किया जाता है और जब परमाणु बम का विस्फोट कराया जाता है तब क्या होता है कि श्रृंखला अभिक्रिया तेजी से होने लगती है, क्रांतिक ताप को पार कर जाता है और परमाणु बम विस्फोट हो जाता है जिससे तबाही मच जाती है। अब हम लोग और इसको समझेंगे कि इस श्रृंखला अभिक्रिया से आप जैसा कि देख रहे हैं और जान रहे हैं, या देख और जान रहे हैं कि देख और जान रहे हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम जिसकी परमाणु संख्या 92 है और परमाणु द्रव्यमान 235 है के विखंडन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक यूरेनियम का विखंडन कराने के उपरांत स्वतः क्रमिक रूप से विखंडन बढ़ता जाता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन कहते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि यह जो यूरेनियम का एक परमाणु का नाभिक है इस पर एक न्यूट्रॉन का आघात कराया जाता है तो यूरेनियम 236 बनता है जो तुरंत टूट करके बेरियम और क्रिप्टन का निर्माण करता है।
तीन न्यूट्रॉन की प्राप्ति होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह अगले तीन यूरेनियम को तोड़ता है, 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 9 न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, जो 9 यूरेनियम को तोड़ता है, 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और 27 न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। ये 27 न्यूट्रॉन पुनः 27 यूरेनियम को तोड़ता है और 5400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 81 न्यूट्रॉन बनते हैं और इस तरह से यह अभिक्रिया आगे भी क्रमिक रूप से बढ़ती जाती है। इसी अभिक्रिया को हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं समझते हैं, क्या जानते और समझते हैं कि यह जो यूरेनियम है, यूरेनियम इसके परमाणु का नाभिक क्रमिक रूप से टूटता जाता है और श्रृंखला अभिक्रिया होती रहती है। आपको समझना चाहिए कि यह जो यूरेनियम का नाभिक है यह टूटेगा और नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया होती रहेगी। जैसा कि लिखा हुआ है कि यूरेनियम 235 के नाभिक पर, यूरेनियम 235 के नाभिक पर क्या किया जाता है, बमबारी कराया जाता है। किसका? न्यूट्रॉन का। तब यह टूटता है किसमें, किसमें टूटता है, बेरियम और क्रिप्टन में। और 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इस तरह से इस अभिक्रिया को हम देखते हैं, चाहे वह परमाणु का विध्वंस हो, परमाणु बम गिराया गया हो, या फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा के निर्माण की बात की गई हो, तो श्रृंखला अभिक्रिया से हम लोगों को लाभ भी है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परंतु ऊर्जा अधिक बढ़ जाए तब क्या होगा कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, उसमें विस्फोट भी हो सकता है। अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि यह जो श्रृंखला अभिक्रिया है इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इस श्रृंखला अभिक्रिया को हम लोग जो पढ़ते हैं इसका महत्व या इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला महत्व है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और दूसरा महत्व है इसे परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। तीसरा महत्व इसका यह है कि इस श्रृंखला अभिक्रिया से जब ऊर्जा जब दुरुपयोग किया जाएगा परमाणु बम का, तब मानवीय आपदा या तबाही या विध्वंस की समस्या उत्पन्न हो जाए। इस तरह से हम इसके श्रृंखला अभिक्रिया की बात करते हैं और यहाँ पर हम इसके विखंडन को, इसके महत्व की जानकारी प्राप्त करते हैं।
पहला है परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्रांतिक ताप जब परमाणु ऊर्जा संयंत्र का बढ़ जाता है तो विस्फोट की संभावना बन जाती है। इसी श्रृंखला अभिक्रिया से परमाणु बम का भी विस्फोट कराया जाता है।